हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लव योरसेल्फ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गुलाब जामुन की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 आलू बॉईल किए हुए, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, घी और 1 कप मैदा। तो इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिरप के लिए पानी उबलने के लिए बिठा देंगे। तो मैंने पैन में पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और उसे एक अच्छे से चाशनी तैयार करेंगे। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाशनी तैयार कर लें। तो देखिए, जो सिरप है वो अच्छी तरह से उबल चुका है और पानी भी हाफ हो चुका है उबलने के बाद। अभी आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर इलायची पाउडर और अभी गैस को ऑफ कर लेंगे। तो हम सिरप रेडी हो चुका है। अभी हम गुलाब जामुन का प्रिपरेशन स्टार्ट। तो पहले आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई गुठली ना रहे, अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। उसके बाद हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। अभी इन सबको साथ में अच्छी तरह से गूंध लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से गूंध लिया है। अभी हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। उस बॉल्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल, हमने हाथों पे ऑयल ले लिया है और इसमें से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बॉल्स हम सब तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए बॉल्स में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, अच्छे से राउंड होना चाहिए। हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अभी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल देंगे। आप अपने हिसाब से तेल ले लीजिएगा, डीप फ्राई करने के लिए जितना चाहिए उतना ही ले आ जाएगा। अभी इस तेल में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी और दोनों को साथ में अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अभी गैस के आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे और धीरे धीरे बॉल्स को डाल देंगे तेल में। अभी इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे और अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अभी इनसे हम तेल से उठा लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन को हमने फ्राई कर लिया है। अभी इनमें इन्हें हम सिरप में डाल देंगे। तो इन्हें सिरप में डालने के बाद इसे हम 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसे हम सिरप में से उठा लेंगे। तो अगर आपको हमारे ये वाला रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस रेसिपी को शेयर, कमेंट एंड लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।